मध्य प्रदेश में रिश्वतखोरों के खिलाफ लोकायुक्त टीम की लगातार धरपकड़ कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में लोकायुक्त ने पन्ना जिले के पटवारी को फरियादी से 7,000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। इसके पहले भी आरोपी पटवारी और उसके साथी को लोकायुक्त ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था। आरोपी पटवारी देवेंद्र प्रजापति ने फरियादी जगत यादव से संपदर्श से हुई परिजन की मौत पर शासकीय योजना का लाभ दिलाने के एवज में 20,000 की रिश्वत मांगी थी, जिससे मजबूर होकर फरियादी ने पहले 3,000 दे दिए। इसके बाद पटवारी और उसका साथी बिचौलिए सालिंग राम सोनी को 7,000 रिश्वत देने की बात हुई थी। पैसे देने के लिए पटवारी लगातार दबाव बना रहा था, जिससे परेशान होकर फरियादी ने इसकी शिकायत लोकायुक्त में की, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए लोकायुक्त ने बिचौलिया सालिंग राम सोनी को 7,000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दिनांक 17/10/23 को आवेदक जगत सिंह यादव हमारे यहाँ पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष आखिर के आवेदन दिया कि उनके भाई बबलू की मृत्यु सांप के काटने से हो गई थी, जिसकी पटवारी के द्वारा रिपोर्ट लगाने के एवज में जो शासन के द्वारा राहत प्रकरण राशि 4.5 लाख रुपये प्राप्त मिलती है, उस राशि को निकालने के लिए पटवारी देवेंद्र प्रजापति जी से मिले और रिपोर्ट लगाने के लिए उन्होंने कहा, जो पटवारी जी ने 20,000 रुपये की रिपोर्ट लगाने के एवज में डिमांड की। और 18 तारीख को इन्होंने पटवारी से बात की और बात के दौरान 3,000 रुपये उन्होंने प्राप्त कर लिए ले लिए और 7,000 रुपये उन्होंने 5-6 दिन में देने के लिए बोले। तो आज किस ने ऐसे की थी कि मेरे भाई छोटा भाई बबलू यादव की मृत्यु हो गई थी सर के काटने से, तो पटवारी जी ने कहा कि हम कागज जमा कर देंगे, कागज हमारे सब बन चुके, कागज उन्होंने एक बार की बने बनाए हरा भी जाए। फिर दोबारा हमसे बोले कहा नहीं कागज बनो, हमने दोबारा कागज बना कर उन्हें दिए। फिर बोले कहा ले कि ऐसे तो डेट निकल चुकी है और ये काम तुम्हारा ना होगा। हमने कही तो फिर क्या करें, कहा नहीं हमें 50,000 रुपया दो तो हम कहीं से जुगाड़ बना भी तुम्हारा। हमने श्रीमान जी हमारा 50,000 का उद्देश्य नहीं है ना, हमें 50,000 देने हैं, हमारे कागज दे दीजिए, बने तो बने ना बने तो भाग दिए, 50,000 हम ना दे पाए। फिर बोले कहा नहीं कितने दे हो, तो हाथ पाँव जोड़ के हमने बढ़िया बच कमा 20,000 में क्या होगा। हमने कहा हम 20,000 रुपया देंगे, वो भी हमारी बात है कि हम तुम्हारे पैसा कब देंगे, जब हमारे खाते में आ जाएगा 4.5 लाख की राशि, जब हम तुम्हें 20,000